गुड़ तो हम हमेशा खाते हैं, चाहे वो कोई भी मौसम हो, लेकिन स्पेशली हम विंटर्स में गुड़ ज़्यादा खाते हैं। और गुड़ की अलग अलग तरह की रेसिपी बनाकर हम ज़रूर ट्राई करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। गुड़ खाना हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो आज हम बनाए जाए गुड़ की एक बिल्कुल डिलीशियस रेसिपी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देती हूँ मैं 1 कप तिल। इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे और बिल्कुल इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जिससे अच्छे से इसका कच्चापन चला जाए। तिल में एक अच्छा अपना ऑयल होता है, और ये तिल हमारे बहुत ही बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। स्पेशली हम विंटर्स में तिल का बहुत यूज करते हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और टेस्ट तो भाई पूछना ही क्या। तो तिल अच्छे से रोस्ट हो गया है, और सबसे अच्छी बात है कि रोस्ट से ये हो जाए ना, तो ये थोड़ा सा ये उछलने लगते हैं, यानी जंप करने लगते हैं। ये सबसे अच्छी पहचान है कि तिल हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो आपको लग रहा होगा हल्का हल्का से कलर भी चेंज हो गया है, और ये थोड़ा सा इनकी तिल के जो तिल हैं वो हल्के हल्के से जंप करने लगे हैं। ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इसके हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और एक नए अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं 1 कप मूंगफली, यानी तिल और मूंगफली को हमने 1 कप से ही मेजर किया था। आप जिसे मेजर करना चाहें उसी से मेजर कर सकते हैं, और आप जिस हिसाब से बना रहे हो कम ज़्यादा उसी अकॉर्डिंग आप इसमें तिल और मूंगफली लेंगे। इसको भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जिससे अच्छे से मूंगफली अंदर तक रोस्ट हो जाए और इसमें क्रंचनेस आ जाए। तो मूंगफली का कलर भी चेंज लग रहा है, और इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक सब अच्छे से ये अंदर तक पक ना जाए, यानी रोस्ट ना हो जाए अच्छे से, और इस एक क्रंची सा फ्लेवर आने लगे इसमें। मूंगफली हर किसी को अच्छी लगती है, और मूंगफली तो ठंडियों में बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, हर कोई खाता है मूंगफली। तो सारी चीज़ें हम हेल्दी चीज़ें यूज़ करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होती हैं, और इसको कंटिन्यू जलाते रहते हैं जिससे ये जलने ना पाए, बस ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है, इसको हम ठंडा कर लेते हैं और इसके छिलके को हम अच्छे से निकाल देते हैं। अब हम लेते हैं एक मिक्सिंग जार, और उसमें हम तिल और मूंगफली को डालकर एक दरदरा सा पीस लेते हैं। बहुत बारीक नहीं करना है, बस हमें दरदरा से पीस लेना है। अब हम गैस पे रख दिए हमने एक नई कढ़ाई, और उसमें हम डाल देते हैं देसी घी, यानी घर का घी। आप कोई भी, अगर आप घी नहीं पसंद करते हो तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से फ्लेवर अच्छा आता है, तो आप कोशिश करें कि घी का ही यूज़ करें। अब इसमें हम गुड़ को अच्छे से ग्राइंड करके रख लिया है, कद्दूकस के लिया था, अब इसको इसमें हम डाल देते हैं और इसको अच्छे से पकाते हैं, जिससे अच्छे से गुड़ इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए, हमें ऐसा करना है। तो इसको हम लगातार चलाते हुए अच्छे से गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं, जिससे एक अच्छा सा सीरम बनकर तैयार है। इसको बहुत अच्छी गाढ़ी इसमें चाशनी नहीं बनानी है, बस ऐसा करना है कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी अच्छे से, और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम में रखेंगे, नहीं तो ये अच्छे से जब नहीं पकेगा और अंदर नीचे से जल जाएगा तो पूरा फ्लेवर इसका ख़राब हो सकता है। तो कोशिश करें कि कंटिन्यू चलाते रहें और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम में रखें। अभी अच्छे से पक गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं ड्राई जिंजर पाउडर, यानी जो सौंठ कहा जाता है उसको हमने पाउडर बना दिया है, और ये डाल देते हैं जो तिल और मूंगफली को हमें दरदरा कूट के रखा हुआ था। इन सबको अच्छे से हम मिलाकर पका लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, और कंटिन्यू चलाते रहते हैं, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम में रखते हैं, नहीं तो अगर ये थोड़ा सा भी जल जाएगा तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगेगी और पूरे फ्लेवर को ख़राब कर सकता है। तो इस बात का बहुत ध्यान दें, और लगातार इसको चलाते हुए हम अच्छे से पका लेते हैं। सौंठ जो होता है ना, ये बहुत अच्छा ठंडियों के लिए बहुत फ़ायदा करता है, खांसी जुकाम में फ़ायदा। तो हम डाल देते हैं थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालना तो डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर और अच्छे इन्हेंस हो जाता है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से पका लेते हैं। तो देखिए, आपको लग रहा होगा कि इसमें घी कुछ रिलीज होने लगा है, काफ़ी शाइन कर रहा है, ये परफेक्ट है। अब हमने एक ट्रे लिया हुआ है, उसमें हमने अच्छे से घी को ग्रीस कर लिया, और इसके ऊपर हम इसको फैला लेते हैं
अच्छे से इक्वल कर लेते हैं ऊपर की साइड को, जिससे कि अच्छे से ये एक अच्छे से स्मूथ सा सरफेस बनकर तैयार हो जाए, जब बर्फी अच्छे से या जिसे पीस आप काटना चाहें उस पीसेस में इसको हम कट कर सकें। तो मैं इसको अच्छे से फिक्स कर दिया, यानी जमाने के लिए तैयार कर दिया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डाल देते हैं, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। और इसको हम 2-3 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देते हैं, जिससे अच्छे से ये जम जाए। 2-3 घंटे हो गए हैं और मैं इसको अच्छे से इसको पीसेस में कट कर लेती हूँ। आप जिस शेप में चाहें उस पीस में शेप में कट कर सकते हैं। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा सा ये निकल रहा है और ये बहुत ही डिलीशियस और स्वीट बना है। एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।